आज 20 मई 2019 इस समय मैं सिकू गांव में हूँ और ये आज यहाँ पर रामकथा चल रही है और आपके सामने ये रामकथा के जो आयोजक हैं वो डॉक्टर साहब हैं। और मैं आपके संज्ञान के लिए एक चीज और बता दूं, ये जो रामकथा हो रही है ये डॉक्टर साहब के माध्यम से हो रही है और उनके छोटे भाई जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं सिक्किम हाईकोर्ट के, ये उनके साधने में ये हो रहा है। ये आप देखें जज साहब बिल्कुल भोलेनाथ के रूप में और बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्यास जी हैं हमारे जोशी जी जो देहरादून से आए हुए हैं और इसका संचालन करेंगे आपके। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं पलायन की बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस पलायन को रोकना चाहते हैं अपने गांव से, अपने पैतृक स्थान से। उनकी आज भी जो है अटू आस्था है और वो यहाँ पर इस तरह के आयोजन, चाहे धार्मिक आयोजन हो चाहे वो सामाजिक आयोजन हो, वो लगातार करते आए हैं। सिक्किम के लोग हैं और ये सत्य साईं महाराज से जुड़े हुए लोग हैं और ये देखें आप किस तरह ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप शेयर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आनंद आएगा। ये देखिए भगवान शिव का ये मंदिर और ये भोलेनाथ का ये मंदिर जो ओंकारेश्वर से लाया गया है, बहुत बड़ा शिवलिंग है ये। देखें आप यहाँ का रीति रिवाज, उत्तराखंड का एक ये अपना संस्कृति का एक आयोजन। देखिए आप किस तरह से ये महिलाएं जो कि इसी गांव से हैं और ये आज कलश यात्रा का जो है शुभारंभ है और बहुत एक नियम से इस यात्रा को जो है चलाया जा रहा है। ये देखें आप पहाड़ी ढोल और दमाव, इस पहाड़ी ढोल और दमाव का अलग ही आनंद है। ये उत्तराखंड की संस्कृति का एक प्रतीक है और ये वो ढोल और साज है कि इससे भगवान शिव और जितने भी देवता हैं, देवी देवता चाहे वो भगवती का हो चाहे वो नारायण का हो, हर देवता इस ढोल में नाच पड़ता है। और इसका देखिए आप किस तरह से ये लोग आनंद ले रहे हैं, ऐसे आध्यात्मिक कार्य में बहुत मन लगता है जब आप इस कार्य को आस्था से और निष्ठापूर्वक निस्वार्थ भाव से करते हैं। भगवान हमारा दूधा धारी है नाग, हेलो
नो विशल्लो बाणवादुं उता अने सन्नस्य सव आभुरस्य निसंगतिः याते हेतिर्मे रुष्टमहस्ते बभोवते धनुः तयास्मा विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्पायुधायाना तताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तवधन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मानृणत्तु विश्वतः अथो य इषुदिष्टभारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनानिधिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्य पशूनां पतये नमो नमस्तस्पिञ्जराय त्विषेमते पतीनां पतये नमो नमो बप्लुषाय दिव्याधिनेतानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवेतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो। राम का नाम लेना ही अपने आप में अतुलनीय लगता है। हमारे जो जज साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे कई लोगों को नौकरियां दी हैं। कई यहाँ पे एक पंपिंग सेट बनाया है पानी पीने के लिए, और एक यहाँ पर इन लोगों ने इसी गांव के जो लोग हैं, एक कविंदर बिष्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे, आपने देखा होगा, सौर ऊर्जा का जो प्लान है ये उत्तराखंड में एक दो जगह पर ही है, बाकी और कहीं है नहीं। और ये देखिए आप, ये सौर ऊर्जा का, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस गांव में ही देखा मैंने, और ये करीबन 4-5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो अभी इस टाइम काम कर रहा है। और ये देखें, इसके साथ यात्रा चल रही है आपकी। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे
जो डॉक्टर साहब हैं और आपके जज साहब हैं, इनके माध्यम से बहुत ऐसे सामाजिक कार्य हुए हैं गांव के लिए। और यहाँ पर आपके और बता दूं मैं कि चाय की खेती होने जा रही है और मशरूम की खेती भी है, कुछ जैविक जो फसलें हैं वो यहाँ पे कराई जा रही है इनके माध्यम से। एक PWD का गेस्ट हाउस बना है, पंपिंग सेट बना पानी के लिए, और जो है शासन प्रशासन यहाँ पे काफी मदद करता है। तो ये बहुत गौरवान्वित वाली जो है एक बात है, संदेश है ये हमारे डॉक्टर साहब जिनके माध्यम से ये संचालन हो रहा है। और ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। मैं जैकेट ब्रिस्ट सीकू गांव से, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।